सीरियल कुमकुम भाग्य में अभी और प्रज्ञा की अभी अभी हुई है शादी और अब इन्हें जाना है हनीमून पर। लेकिन देखिए ना, हनीमून पर भी ये दोनों इस कदर झगड़ा कर रहे हैं कि उफ, हर कोई परेशान हो जाए। अब इन्हें कौन समझाए, हनीमून होता है रोमांस के लिए, ना कि लड़ाई झगड़ों के लिए। चश्मा साफ करके देखो, ये एयरपोर्ट ही है। तुम देखो, वो भी नहीं सकती, तो बहुत ज्यादा स्मार्ट। प्रज्ञा और अभी को झगड़ा करते देख आप सोच रहे होंगे कि आखिर अब ऐसा क्या हो गया जो ये यूं लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन जनाब, इनकी इस फाइट से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इनके हनीमून में आया एक और ट्विस्ट। जी हाँ, और वो ये कि अभी प्रज्ञा को लेकर हनीमून के लिए शिमला तो निकले हैं, लेकिन मुंबई के इस होटल को ही उन्होंने बना दिया है शिमला। एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर बर्फ नहीं गिरेगी और अगले 4 दिनों तक बर्फ गिरने की बिल्कुल कोई संभावना नहीं है। ये क्या बकवास? बकवास नहीं है, ये तुम्हारा हनीमून है। सुना आपने? और इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब इन्होंने इस होटल रूम का एसी ऑन कर दिया और प्रज्ञा से इसे शिमला समझने को कहा। इसीलिए तो हमारा शो डिफरेंट है। सुनो, जिन लोगों ने कभी एसी देखा नहीं है ना, जो फर्स्ट टाइम उनके घर में एसी लगता है ना, तो उनको ऐसे लगता है हाय शिमला। तो वो इस कंडीशन प्रज्ञा की हुई है इस समय। वाह, क्या बात है, वाइफ हो तो प्रज्ञा जैसी, जो हर चीज को इतना लाइटली लेती है। वैसे आपको बता दें कि जहां अभी ने प्रज्ञा को परेशान करने के लिए इतना सब किया है, वहीं दूसरी तरफ वो खुद मुश्किल में पड़ गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैसे? तो जनाब, जिस होटल में अभी प्रज्ञा को लेकर आए, उसी होटल में उनकी गर्लफ्रेंड तनु भी मौजूद थी। कुछ नहीं सुन लो मुझे, क्योंकि तुम झूठे हो। जो कह के तुमने उससे शादी की, जो मुझे प्रॉमिस किया, सब झूठ था। एक्चुअली इट्स अ सीन जहाँ पर तनु गेट्स रियली एंग्री और थोड़ी नाराज है कि अभी तनु को ठीक अपने हिस्से का वक्त नहीं दे रहा, तो उस बात को लेकर तनु थोड़ी चिड़ी हुई है और अभी मना रहा है उसे। ये तो उल्टा ही हो गया सब कुछ। एनीवे, ऑन कैमरा जो भी हो रहा है, लेकिन ऑफ कैमरा प्रज्ञा और उनकी लिटिल सिस्टर बुलबुल खूब मस्ती कर रहे हैं। देखिए तो कैसे सीन पूरा करते ही दोनों टाइम पास करने लगे। हाँ, उनके यहाँ जाती हूँ, बुलबुल मेरे साथ आती है। मैं उनका साया हूँ और हाँ। शबीर मेरे सायर। हाँ दीदी, उनके साथ खुश नहीं है, बट आई एटलीस्ट मेक श्योर कि ऑन स्क्रीन नहीं, बट एटलीस्ट ऑफ स्क्रीन मैं उसके हनीमून पे जाके, मतलब होटल जाके उसको हाँ। थोड़ा एंटरटेन करूँ, एंड दैट्स व्हाट वी आर हैविंग फन है ना। हाँ वेल, हमें तो लगता है प्रज्ञा से ज्यादा आप एंटरटेन हो रही हैं, तभी तो चली आई इस सो कॉल्ड हनीमून पर प्रज्ञा के साथ। हमें तो देखना ये है कि और कितने ट्विस्ट हनीमून पर आने वाले हैं।